फ्रेंड्स, आज हम मधुबनी पेंटिंग और वर्ली पेंटिंग प्लेट्स पर पेंट करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आप ये ट्यूटोरियल एंजॉय कीजिए और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये प्लेट्स मार्केट से ली हैं और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और ये 10 प्लेट्स मुझे केवल 79 रुपीज़ की मिली हैं। मधुबनी पेंटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ पेन्स दिखा दे रही हूँ। ये जेल पेन है और ये कुछ मार्कर हैं और ये मार्कर परमानेंट हैं, स्मच प्रूफ, आप जिसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर ले रही हूँ और फ्रेंड्स, मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जेल पेन से जब मैंने ड्रॉ किया तो वो काफ़ी लाइट आ रहा था। और ये जो मेरा मार्कर है ये स्मच प्रूफ है, ये वाटर से ख़राब नहीं होता है, आप भी इस तरह का मार्कर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। और फ्रेंड्स, मधुबनी पेंटिंग में एक जो मेन याद रखने की बात है वो ये है कि इसमें हमेशा साथ साथ आउटलाइन भी की जाती है, मतलब आप कुछ भी ड्रॉ करें तो उसकी एक आउटलाइन भी हमें साथ साथ ड्रॉ करनी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने सर्कल पे डबल आउटलाइन किए हैं और देखिए बाहर की डिज़ाइनिंग को भी मैंने डबल कर दिया है। चलिए इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आप भी मेरे जैसी ही पेंटिंग बना पाएंगे। फ्रेंड्स, मधुबनी चित्रकला इंडिया में काफ़ी पुरानी है और पहले यहाँ मधुबनी गांव की लेडीज़ इसको दीवारों पर बनाया करती थी। ये पेंटिंग्स मोस्टली बिहार में और नेपाल के मिथिला जो एरिया पड़ता है उस एरिया में बनाई जाती हैं। और इसको ग्लोबल पहचान तब मिली जब एक ब्रिटिश गवर्नर इंडिया आए थे और उन्होंने दीवारों पर ये पेंटिंग देखी तो उन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, तो उन्होंने इसकी पिक्चर्स ले ली और उन्होंने उसको अपने एक आर्टिकल में छापा। इससे और उस आर्टिकल में इन्होंने मधुबनी पेंटिंग की तुलना पिकासो की पेंटिंग से की, तो इस तरह से मधुबनी पेंटिंग को ग्लोबल पहचान मिल गई। और अब आप देखते हैं जितने भी आर्ट फेयर्स लगते हैं उसमें आपको मधुबनी पेंटिंग के स्टॉल्स भी इजीली देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, मोस्टली इस पेंटिंग को गाँव की लेडीज़ ही करती थी, अब तो खैर इसके ट्यूटोरियल्स भी आ जाते हैं और पेंटिंग के क्लासेस में भी आप ये सीख सकते हैं। और इसमें जो कलर्स का यूज़ करते हैं वो सारे नेचुरल कलर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पर आपको एक्रेलिक कलर से इस पेंटिंग को बनाकर दिखाऊंगी और ये बनाना काफ़ी इजी पड़ता है। और इसमें मोस्टली देवी देवताओं की, रामचंद्र जी की विवाह की या नेचुरल जानवरों की पिक्चर्स इसमें बनाई जाती हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा कलरफुल इसको रखा जाता है। आप देखिए, मैं ये जो पेंटिंग बना रही हूँ इसमें जितनी अच्छी आप डिटेलिंग करेंगे पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और मधुबनी पेंटिंग में इस तरह की ब्लैक लाइंस काफ़ी बनाई जाती हैं और इन्हीं के बीच में कलर भरा जाता है। देखिए, मैं अंदर भी अब इसमें डिटेलिंग कर रही हूँ। आप जितनी अच्छी डिटेलिंग करेंगे आपकी पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा उभर कर आएगी। जब आप बनाना शुरू करते हैं तब आपके स्ट्रोक सीधे नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपके स्ट्रोक एकदम बढ़िया से आने लगते हैं। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो पहले आप एक रफ भी किसी पेपर पे बना के देख सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप मुझको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये वैसे भी आप बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। आउटलाइन देने से जिस पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं वो एकदम से उभर कर बाहर को दिखता है।
और कभी भी जहाँ पे हमें ब्लैक कलर फिल करना है उसे ऐसे नहीं फिल करते हैं, उसको भी हमें लाइनें ही डाल के फिल करना है। चलिए अब इसका हम बॉर्डर बना लेते हैं, और बॉर्डर मैं बिल्कुल सिंपल ही रख रही हूँ। इस तरह से मैंने ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अंदर अभी मुझे कुछ डिटेलिंग कम लग रही है तो मैं यहाँ पर भी कुछ लाइंस और ड्रॉ कर दे रही हूँ। चलिए अब इसकी भी हम डबल लाइनिंग कर लेते हैं। चलिए अब कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक्रिलिक कलर यूज़ करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कलर आप जितने वाइब्रेंट रखेंगे पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। पहले हम पेंटिंग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम कलरिंग करते हैं। तो अगर आपने मार्कर अच्छा यूज़ नहीं किया है तो आपका सारा मार्कर का वर्क फैल सकता है, इसलिए आप जो भी मार्कर लें वो स्मच प्रूफ लीजिएगा, मतलब वाटर प्रूफ होना चाहिए। और देखिए मेरी पेंटिंग बनकर अभी रेडी हो गई है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट पेंटिंग बनाते हैं, और नेक्स्ट पेंटिंग में वर्ली पेंटिंग ट्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने बीच में एक सर्कल लिया है और छोटे छोटे 3 सर्कल्स और ड्रॉ कर लिए हैं। तो पहले मैं इस पर पेंसिल वर्क करूँगी और इस पर कुछ इस तरह से ट्रायंगल्स बनाने हैं। ये फिगर्स होती हैं और इनको बनाने के लिए आप पहले कुछ अगर पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं तो अच्छा है, वरना डायरेक्ट करेंगे तो छोटे बड़े भी बन सकते हैं। तो आपको जो ऊपर का ट्रायंगल रखना है वो थोड़ा सा नीचे वाले से बड़ा रखना है। देखिए बन गए हैं ये। अब मैं यहाँ पर मार्कर यूज़ कर रही हूँ, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए नीचे का जो पार्ट है वो मैंने छोटा रखा है और ऊपर का पार्ट मैंने बड़ा रखा है। अब यहाँ पर मैं लेग्स बना रही हूँ। अब हम यहाँ पर इनका हेड बनाएंगे, और अगर हम लेडीज़ बनाते हैं तो हमें इसके हेड के ऊपर एक हल्का सा जूड़ा भी बनाना होता है। देखिए इस तरह से मैंने ये बना ली है, और ये डांसिंग पोज में है तो क्रॉस में मैं इनकी आर्म्स भी बना रही हूँ।
अब फ्रेंड्स इसको हम इरेज कर देंगे जो पेंसिल से ड्रॉ किया था। ये पेंटिंग फ्रेंड्स मोस्टली महाराष्ट्र में बनाई जाती है और इसमें पहले दीवारों को गोबर से या गेरू से पेंट कर लिया जाता है और उसके ऊपर चावल को पीस के उससे इसकी जो डिज़ाइंस होती हैं ये बनाई जाती हैं। इसमें सेंट्रल पार्ट खाली था तो मैंने यहाँ पर एक ढोल बजाता हुआ आदमी बना दिया है। अब इसके अंदर हम ब्लैक कलर को ब्रश की हेल्प से भर लेंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको दो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म बनाकर दिखाई हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी सेकंड सीरीज़ भी जल्दी लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको कुछ और आर्ट फॉर्म बना के दिखाऊँगी जो बनाना काफ़ी ईजी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए आपको पेंटिंग कैसी लगी।